अगर हार्दिक पांड्या अगर ये वीडियो देख रहा है तो मैं उन्हें यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करें तो आप इंशाल्लाह ताला आप MS धोनी नेक्स्ट हो सकते हैं। ही इज वेरी जेंटल क्रिकेटर, बहुत अच्छे हैं और उनका बिहेवियर जो टीम को लेके चलते हैं बहुत अच्छा है और अच्छे लगते हैं काफी। वो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, बॉलर भी हैं, मतलब के एक ऑलराउंडर हैं, मतलब एक सिर्फ बैट्समैन मतलब कह सकते हैं कि बॉलिंग भी उनकी बहुत अच्छी है और बैटिंग भी अच्छी है, बहुत अच्छे जा रहे हैं, कोई कमी नहीं है उनमें। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? औरंगजेब। अच्छा औरंगजेब, इंडियन टीम के प्लेयर हार्दिक पांड्या, उनके बारे में क्या ओपिनियन है, उनकी बैटिंग और बॉलिंग आपको कैसी लगती है? हार्दिक पांड्या जो है, अगर कहा जाए कि वो बहुत एक अच्छे प्लेयर हैं तो ये गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो उनकी ये बहुत अच्छी है कि वो जब भी आते हैं फोर्थ या फिफ्थ जो है पोजीशन पे आते हैं खेलने के लिए, काफ़ी हद तक अच्छी है क्योंकि वो बैट भी अच्छा, बैटिंग भी अच्छी करते हैं और बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। और बॉलिंग में कभी एक बार गलती कुथाई कर जाते हैं लेकिन बैट उनका काफ़ी अच्छा है। हार्दिक पांड्या जो कि एक न्यू टैलेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, ठीक है, और बहुत तेज खेलता है और वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर है जो हार्दिक पांड्या है। वेल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इंडिया के काफ़ी अच्छे जा रही है उनकी इनिंग्स, अभी वर्ल्ड कप में देख रहे हैं हम लोग और अच्छे हैं, मेरे फेवरेट हैं, अच्छे और अच्छी फील्डिंग करता है, बहुत अच्छा प्लेयर है। अगर मैं उसको किसी से कंपेयर करूँ तो वह आबरे आला इतनी सो। अच्छा अगर आप किसी इंटरनेशनल प्लेयर से कंपेयर करें तो किसके साथ करेंगी? अब्दुल रजाक से। अच्छा मुझे ये बताइए कि हार्दिक पांड्या का जो बिहेवियर है वो आपको कैसा लगता है, जेंटल क्रिकेटर और नॉट? ही इज़ वेरी जेंटल क्रिकेटर, बहुत अच्छे हैं और उनका बिहेवियर जो टीम को लेके चलते हैं बहुत अच्छा है और अच्छे लगते हैं काफ़ी। उसको कंपेयर करें हम जो है वो, लेकिन जो है वो बैटिंग उसकी अच्छी है, वो तेज़ खेलने वाला प्लेयर है, एग्रेसिव है थोड़ा सा, और जो है उसको मतलब अगर उसको अच्छी ग्रूमिंग की जाए तो वो अच्छा ऑलराउंडर साबित हो सकता है। वो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, बॉलर भी हैं, मतलब के एक ऑलराउंडर है, मतलब एक सिर्फ बैट्समैन मतलब कह सकते हैं कि बॉलिंग भी उनकी बहुत अच्छी है और बैटिंग भी अच्छी है, बहुत अच्छे जा रहे हैं, कोई कमी नहीं है उनमें। अक्सर पहले तो मैचेस बहुत ज़्यादा देखते थे क्रिकेट के, तो ये वर्ल्ड कप भी ज़्यादा नहीं देखा है मैंने। वैसे हार्दिक पांड्या की जो बैटिंग और बॉलिंग जहाँ तक मैंने देखी है वो बेहतर है, अच्छा ऑलराउंडर है, हम कह सकते हैं दुनिया में अगर इस तरह ऑलराउंडर होने चाहिए। उनकी क्रिकेट आपने देखी होगी, इंग्लैंड की जो पहले क्रिकेट थी जहाँ उसमें सिर्फ था सीधा बैट, अब उन्होंने क्रिकेट को बदल दिया है, उन्होंने क्रिकेट को बदला है तो उस वजह से उनकी क्रिकेट बदलने की वजह से ना उनकी टीम अच्छी हो गया। आप देखें तो उन्होंने जॉय रूट को भी धमकी दी कि आपकी स्ट्राइक अच्छी नहीं जा रही तो आपको टीम से निकाल सकते हैं, तो उसने भी अपनी स्ट्राइक रोटेट की। अच्छा हार्दिक पांड्या जो है वो हार्ड हिटर हैं, अगर हम कंपेयर करें उन्हें किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ तो आप किसके साथ कंपेयर करेंगे उन्हें? अगर पाकिस्तान में देखा जाए हम कंपेयर कर सकते थे जिस तरह हमारा जो पुराना ऑलराउंडर था अब्दुल रजाक, उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, या भी मौजूदा जो हमारे टीम में है इमाद वसीम, उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह तो दुनिया में बहुत सारे ऑलराउंडर हैं लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम कंपेयर करना चाहें इमाद वसीम के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल उसको आप उस पर कंपैरिजन कर सकते हैं, अब्दुल रज़ाक है पाकिस्तान का, मतलब एक अच्छे बॉलर भी थे और एक बहुत अच्छे बैट्समैन भी थे, मेरे ख्याल से वो बहुत परफेक्ट हैं अब्दुल रज़ाक कंपैरिजन में किया जाए तो। उसको मुझे अगर आप कहें कि उसे उसका कंपैरिजन करना है तो मैं उसका कंपैरिजन मैक्सवेल के साथ करूँगा जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, और वो बहुत हार्ड हिटर है और बहुत अच्छी तरह जो है आई कॉन्टैक्ट के साथ बहुत देख के और अच्छी तरह बैटिंग करते हैं, वो भी अग्रेसिव है थोड़ा सा और लेकिन थोड़ा सा समझदार है, इसमें थोड़ा सा अग्रेसिव ज़्यादा है इसलिए बात उकाती है, थोड़ी सी मार खा जाता है, ये इसकी कमी जो है कह लें, नाकामी कह लें या मिसकंसेप्शन कह लें, इस तरह का कुछ उसके साथ सीन है, क्योंकि वो उनकी टीम के अंदर ये टोटल ओवरऑल ही बिहेवियर ऐसा है कि वो थोड़ा सा अग्रेसिव रहते हैं और थोड़ा सा एटीट्यूड में रहते हैं, और किसी हद तक ये ठीक भी है कि अगली टीम के ऊपर प्रेशर करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, लाइक दिस पाकिस्तान जो है काफ़ी अरसे से 7-7 मैचेस जो हैं अगर ICC की हिस्ट्री देखी जाए तो लगातार उनसे मैचेस हार रहे हैं। उन्हें कॉन्फिडेंट होता है ना, कॉन्फिडेंस रहता है उन्हें अपनी टीम पे कि उनकी टीम एक अच्छा खेलेगी और कैसे अपनी टीम को उन्होंने लेके जाना है, तो वे गोल सेट करके आते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो गोल सेट करके आते हैं और जहन में उनके माइंड के अंदर ये होता है कि ये जो है पहले ही जो है मैनेजमेंट उनकी इतनी अच्छी है कि अगर आपने अगली टीम की बॉलिंग को टारगेट करना है, अगली टीम की बैटिंग को टारगेट करना है, ये जो चीज़ें हैं उनकी बहुत अच्छी हैं। वो
सपोज अगर ये वीडियो हार्दिक पांड्या देख रहा है तो आप उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहूँगी कि अपनी टीम को सपोर्ट करते रहें, अच्छा परफॉर्म करते रहें और लेके जाएँ और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें। मैसेज यही है कि थोड़ा सा और बेहतर कर लें, मतलब अपनी बॉलिंग को, बैट्समैन तो हैं, एबिलिटी है उनमें, मैच जितवाने की आसानी से जीत सकते भी हैं। इंडिया को अगर फ्यूचर में देखा जाए तो वो एक बहुत अच्छे प्लेयर भी साबित हो सकते हैं इंडियन टीम के लिए। उन्हें ये मैसेज देना चाहेंगे कि अवाम ने आपको इज्जत दी है, ठीक है, और आपको इस मंजिल तक पहुँचाया है, तो आपको ईमानदारी से और शोर के साथ खेलना चाहिए क्योंकि आपके इतने ज़्यादा फैंस हैं, ठीक है। तो अगर ईमानदारी से खेलेंगे, ठीक है, तो उनको इज्जत और शोहरत बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो हम उनसे उम्मीद यही करते हैं कि वो तेज़ खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे और ईमानदारी से खेलेंगे। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे कोई भी क्रिकेटर हो, उसको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स तक रहना चाहिए। ये ना हो कि स्पोर्ट्स से आप सियासत बना ले या कोई और चीज़ इस पर कर ले। तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पिरिट होना चाहिए बंदे में, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स तक महदूद होना चाहिए। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।